तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ये बंगार गांव की नदी है, तो कहीं बहुत बारिश हुई है इसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा इस तरीके से हो चुका है। आज सुबह ही इसमें ना पानी काफ़ी गंदा हो रखा है इस बार। तो आज सुबह ही सब बोल रहे थे कि गदी ना रहा है। तो गदी ना रखा का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भारी वर्षा के कारण जो यहाँ पर पानी का बहाव है और स्तर है वो ऊंचा हो चुका है। तो आज वैसे आशंका थी कि बारिश आएगी, बट आज बारिश नहीं आई है। तो फिर भी तो एक डिमांड थी, तब मुझे लगता है कि वो मेरे गांव के हैं, तो हमारे शादी में वो शायद आए थे और उनके बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था ये इस नदी में। तो उन्हीं की डिमांड पे मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं दिल्ली वापस। तो इस तरीके से जो पानी है वो काफ़ी गंदा हो रखा है इस बार नहीं मतलब आज के दिन ही हो रखा था। तो मेरी सिस्टर आई थी आज, तो आज मौका मिल चुका है कि जाने का। और वैसे मैं जाती भी नहीं, क्योंकि हम कल सुबह दिल्ली निकलने वाले थे, लेकिन अब किसी की डिमांड थी तो उनकी डिमांड पे हम आ चुके हैं गदिन। तो यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, यहाँ से जो गदिन के पत्थर होते हैं, नदी के जो पत्थर हैं, उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा है। शायद वहाँ पे रोड बन रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है अभी। तो आयुष को सुला के आई थी, तो उसके पापा को बोल दिया है कि आयुष का ध्यान रखना, और तब तक हम एक चक्कर लगा कर आते हैं। तो चलते हैं नीचे। वैसे बहुत अच्छा होता कि पानी साफ होता, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि थोड़ा सा पानी के साथ मतलब मस्ती की जाए। तो ये एक ग्राउंड है जहाँ पे लड़के लोग बैट बॉल वगैरह खेलते हैं, तो इनका क्रिकेट का जो स्टेडियम ही लगा लो इनको। तो ये गांव के लड़कों का स्टेडियम है। तो पानी काफ़ी बढ़ रखा है इस बार, और अगर यहाँ भी वर्षा हुई तो यहाँ और इसका पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। सुबह सुबह गांव के लोग जो हैं वो अपने मवेशियाँ, जैसे भेड़ बकरियाँ हो गई, गाय बच्ची हो गई, तो उनको चराने के लिए गदिन लेकर आ रखे थे। तो सडनली क्या हुआ कि पानी जो ऊपर से गंदा हो रखा था वो ऊपर से लोगों ने देख लिया, और काफ़ी जल्दी ही सबको सूचना दी कि पानी मतलब गदिन आ गया है, तो जो भी आपके मवेशियाँ हैं उन्हें ऊपर लेकर आ जाइए। तो सभी लोग अपने जो भी गाय बच्ची है ना, भैंस जो भी है, वो सब ऊपर लेकर चले गए थे। तो सुबह से यहाँ पर खाली ही पड़ा हुआ है आज, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा होता है कि जब गदिन आता है तो कुछ रिस्की हो जाता है। तो रिस्की मतलब ऐसा होता है कि एकदम से ऊपर से पानी आ गया, तो जो भी गदिन में है वो तो देख नहीं पाएंगे कि पानी का स्तर ऊपर से बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब गदिन आता है तो गदिन लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिस्की हो जाता है कि कब पानी का जो स्तर है वो ऊपर से बढ़ के नीचे आ जाए। तो बट थोड़ा शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा चल लिया जाए। तो हम एक किनारे पे पहुँच गए, तो सोच रहे थे हम दोनों के दोनों कि इस गदिन को पार किया जाए, भले ही तैरना नहीं आता। तो ऐसे मतलब गदिन देखने से दूर से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कम पानी है, लेकिन जैसे ही हमने एक दो कदम रखे तो हमारे पैर मतलब घुटने तक पानी आ चुका था। तो वापस डर के मारे इधर आ गए, बस जस्ट किनारे पे ही। तो कहते हैं कि जितनी नदी शांत लगती है उतनी ही गहरी होती है। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पे बकरियाँ देखने को मिली है। तो आए हैं एक अंकल जी, गांव के होंगे, तो अपने बकरियों को लेकर आ रखे हैं।
क्योंकि अब शाम हो गई है तो सुबह से तो पानी ऐसा ही है। इन बाय चांस अगर पानी ऊपर से बढ़ कर आता भी है तो ये जो बड़े बड़े पत्थर है गदिन के साइड में, तो मतलब बहुत कम चांस है कि कोई इंसान डूब के ही जाएगा। तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर ये, तो इसीलिए तो ये लोग आ रखे हैं अपने क्या कहते हैं बकरियों को लेके, और ये चिनखी भी है साथ में। चिनखी है, चिनखी या चिनखी बोलते हैं इसे, बकरी के छोटे बच्चों को चिनखी बोलते हैं गांव में। तो मुझे लग रहा है इस बच्चे की माँ है, तभी अपने माँ के पीछे पीछे घूम रही है। तो यहाँ पे जो पत्थर है वो काफ़ी गोल गोल आकृति की भी है, और अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको लेके जा सकूं, लेकिन कभी लेके जाऊंगी तो मैं इसका DIY करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इन पत्थरों को ज़रा पेंट करो, कलर करो, और इन पे स्माइली से मतलब कुछ इस तरह से फेस क्रिएट करो और कुछ भी बना लो, तो भाई गार्डन में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो करके दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो चलते हैं वापस घर की ओर, क्योंकि आयुष भी अब उठ चुका होगा, मुझे लगभग 1 घंटा होने वाला है। 1 घंटा भी क्या मतलब, हाँ आधा घंटे से ऊपर तो हो ही चुका है मुझे। तो अब फटाफट से चलते हैं ऊपर गांव की ओर। तो दोस्तों कैसा लग रहा है यह वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, और अब शायद हमारे गांव में नवंबर में एक टाइम पे पुजारी है तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। देखते हैं आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, बट कोशिश रहेगी कि आएंगे। तो इस बार भी गांव में पुजारी थी तो काफ़ी लोग आ रखे थे बूण से, बूण मतलब होता है शहरी इलाकों से, तो काफ़ी बच्चे ना यहीं थे गदिन में, मतलब चले जाते थे वो गदिन और फिर आते थे शाम शाम के टाइम पे। लेकिन जो यहाँ के बच्चे होते हैं शहरों के, वो उनको पानी ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो गुजारिश है उन छोटे छोटे बच्चों से कि उनके मम्मी पापा से कि बच्चों को ना जाने दें। तो बच्चों जब नदी में आओ तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि जब हम शहरों से जाते हैं तो हमें बहुत ही पसंद होता है कि मतलब ये काफ़ी खुला खुला माहौल देख के हमें मन नहीं करता कि घर के अंदर रहें। तो ये ऊपर आ चुकी हूँ मैं खेतों के साइड में, तो दिखाऊंगी बंगार के खेत आपको। तो यहाँ के खेत और शारे जो भी होते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए, क्योंकि ये समतल जैसे कि गांव प्लेन एरिया में बना हुआ है, इसी टाइप से यहाँ पर खेत खलिहान भी प्लेन ही है बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए ये रहा यहाँ से पूरा, तो ये काफ़ी इन्जॉय करते होंगे ना लोग। तो अब चलते हैं घर की ओर, और यहाँ मैं अपनी बहन को बता रही थी कि इसके नीचे शारे भी लगाए जाते हैं। महिलाएं काम भी कर रही थी खेतों में, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करके फिर हम निकल चुके थे घर की ओर। अब हम जा रहे हैं गांव की ओर,
तो बहन पूछ रही थी कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। मैंने बोला उसको कि कोई से रास्ते पे चले जाएगी तो गांव के अंदर ही। तो चलो भैया अपन ख्वाल चला। तो यहाँ पे गुलाब के पौधे को देख के इसका मन थोड़ा ललचा गया। कह रही थी कि तोड़ लो, तो मैंने इसे बोला कि भैया पूछ ले जिसके ये है, जिनके ये है उनसे पूछो और इसके बाद ही आप इन्हें तोड़ सकते हो। वैसे तोड़ के क्या ही मिलेगा, लेकिन क्या करें। तो ये है सोमी का फ्रेंड रुद्र। तो यहाँ पे लोगों ने सब्जी उब्जी जो भी लगा रखी है। ये है कुकड़ुक्कु के छोटे छोटे बच्चे। तो आशु भी बोल रहा है कुकू। आशु कुकू कुकू है ना। तो आयुष को हम जब भी यहाँ पर लेकर आते थे तो बोलता था कुकू कुकू। देखो कैसे बोल रहा है, पहचान लिया आपने क्या कुकू है। तो आयुष भी सोकर उठा है और देख रहा है मम्मी क्या कर रही है। तो बस अब सबसे हम थोड़ा नमस्ते किया और चलते हैं, क्योंकि गांव सुबह सुबह हम निकलेंगे तो हम इनसे मिल नहीं पाएंगे। तो अभी सबको नमस्ते राम राम करके निकल लेते हैं घर की। और तो काफ़ी जो घर है वो पुराने भी हैं और काफ़ी घर यहाँ नए बन चुके हैं। तो भाई ये रुद्र है, रुद्र हाय कर रहा था। तो सबसे मिलते हुए मैं चली गई हूँ इस साइड से। अभी तक मैंने बंगार गांव को पूरी तरह से नहीं देखा है। तो चलो वापस चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो इतने ज़बरदस्त घर यहाँ बने हुए हैं पहले ज़माने के, कि जो कलाकारी इस टाइम पे कोई नहीं कर सकता। और इतनी मजबूत तरीके से और इस तरीके से लकड़ियों पे कारीगरी जो भी कर रखी है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पे इस तरीके से कारीगरी हो रखी है। तो चलते हैं आगे। तो मैं इनके घर के अंदर भी गई थी और मैंने ऊपर जाके फ़ोटो भी खिंचाई। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये कल्पना यहाँ पे फ्लावर की चोरी कर रही है, देख लीजिए कृपया करके ध्यान से इस चेहरे को, इस चोर को। रियली सॉरी। ओए होए। तो दोस्तों चलो, तो यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे इस तरीके से। वाओ, घर भी ढह गए हैं। दिस वाओ। बाल्टी में चूल्हा देखिए तो प्यारा लग रहा है। So guys, so दोस्तों it's awesome। तो इस वीडियो को लेकर चलते हैं समापन की ओर। और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।